छिलकाना पुलिस ने मात्र 4 घंटे में मृतक सतपाल की हत्या का खुलासा करते हुए उसकी हत्यारोपी पत्नी को हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया। मंगलवार को सुल्तानपुर के मोहल्ला कोठीवाला निवासी सतपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले की जांच प्रारंभ की गई थी। संदेह होने पर मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई, जहां उसने हत्या करना कबूल किया है। उसने बताया है कि उसका पति सतपाल रोजाना नशा करके उसके साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर उसने अपनी चुन्नी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। कल दोपहर करीब 1:30 बजे दोपहर को सुल्तानपुर देहात थाना क्षेत्र तिलकाना से एक खबर आई थी। एक सूचना मिली थी पुलिस को कि एक डेड बॉडी है जो घर में रखी हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में रखी हुई है। जब पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुँची तो उसको सतपाल नामक वो युवक था जिसकी डेड बॉडी थी। घर वालों से पूछताछ हुई और जो आखिरी रात उसके साथ कौन कौन था उनसे पूछताछ हुई तो बात ये निकल के आई थी कि उसकी जो उसकी खुद की पत्नी थी जिनका नाम रामवती है, उन्हीं के द्वारा इसका मर्डर कर दिया गया है। रात को चुन्नी से गला घोट के मर्डर कर दिया था। जब उनसे पूछताछ पर इसका कारण पूछा गया तो बताया गया कि ये सतपाल द्वारा काफ़ी नशा किया जाता था, शराब पी जाती थी, उसके बाद इसे मारपीट की जाती थी, जिससे तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। थाना सरसावा पुलिस द्वारा वन्यजीव जंतुओं की अवैध रूप से तस्करी व ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों जर्नैल सिंह पुत्र रंजीत सिंह, साबिर पुत्र जमशेद व मोबीन पुत्र असलूफ को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक बैग जिसमें एक चितकबरे रंग का दुमुही सांप व मिट्टी भरकर बंद कर रखा एवं दूसरे छोटे काले बैग में एक लाल रंग का स्टेटोस्कोप, एक दुधिया बल्ब एवं सर्जरी दस्ताने बरामद हुए हैं। देखिए, कल शाम को 5:15 बजे चेकिंग के दौरान ग्राम समस्तपुर नवादा में जब पुलिस चेक कर रही थी तो एक होंडा अमेज कार को जब रोका गया और उसमें जब चेकिंग की गई तो एक काले बैग में एक 2 मुहा सांप पाया गया, जिस पर इनसे पूछताछ पर यह निष्कर्ष निकला है कि यह तस्करी कर कर इस सांप को लेके आते थे और जो आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनसे ये ठगी करते थे, ये 2 मुहा सांप दिखाकर, और भोले भाली जनता के साथ ये पहले भी ठगी करते आए हुए हैं, इन्हें पूछताछ में बताया गया है। तो इस संबंध में तस्करी का एक वन्य जीव अधिनियम के सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा इनके विरुद्ध कायम किया गया और 3 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर थाना सरसावा पुलिस के द्वारा जेल भेजा जा रहा है। सर, ये क्या कहकर ठगी कर? सहारनपुर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष और नगर निगम सीट सहारनपुर के प्रभारी मोहित बेनीवाल का आज सहारनपुर के मेडिग्राम अस्पताल पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान नगर निगम के महापौर पद के मजबूत दावेदार डॉक्टर अजय सिंह सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचने वाली है। हम 100% सीटों पर इस बार कमल खिलाने वाले हैं। आज मेरा सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र में आना हुआ है, यहाँ पर हम लोग चर्चा करके पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करेंगे, उसके बाद हम लोग नाम प्रदेश को भेजेंगे और नगर निगम के सहारनपुर पर इस बार पार्षदों की संख्या में भी एक बड़ा इजाफा होगा। पिछली बार हम जितने जीत करके आए थे उससे ज़्यादा संख्या में जीत करके पार्षद भी आएंगे और नगर निगम पर भी एक बड़ी जीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नवाल, प्रभारी पश्चिमी प्रदेश, आज अपने सहयोगियों प्रदेश महासचिव विदित चौधरी, सहारनपुर मंडल प्रभारी व प्रदेश सचिव गौरव भाटी, जनपद प्रभारी के साथ निकाय चुनावों के संदर्भ में आयोजित एक अति महत्वपूर्ण बैठक में शिरकत करने के लिए सहारनपुर पहुंचे। महानगर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली की अध्यक्षता में हुई बैठक का संचालन महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने किया। प्रदीप नवाल ने कहा कि हम आगामी स्थानीय चुनावों में संगठन के कर्मठ व ईमानदार छवि के प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जनविरोधी नीतियों को मुद्दा बनाकर चुनावों में उतरेंगे। चुनाव हमारे सामने हैं, उससे पहले एक सेमीफाइनल मैच हमारा है निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का। इससे पहले विधानसभा में सेमीफाइनल था? नहीं, विधानसभा में तो आप जानते हैं, विधानसभा में तो सपा में और भाजपा के बीच में एक बाइनरी बना दी गई झूठी। लोगों को सपने दिखाए गए मुंगेरी लाल के कि सपा विकल्प है
और वो विकल्प ऐसा ढहा कि एक व्यक्ति विश्वास करने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव जी चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्रालय बांटते फिर रहे थे उत्तर प्रदेश में, और पता चला कि कैबिनेट तो बड़े दूर के सवाल है, खुद ही विपक्ष में रहने के लाले पड़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में, तो सपा तो कहीं खड़ी नहीं है। भाजपा कह रही है इस बार उन्हें देवबंद में चुनावी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में पूर्व विधायक माविया अली के पक्ष में आम जन की बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में देवबंद के गणमान्य लोगों एवं कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव को लेकर मशवरा किया गया। पूर्व विधायक माविया अली ने अपनी पत्नी और पूर्व पालिकाध्यक्ष जहीर फातिमा को पालिकाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाने के लिए मीटिंग में उपस्थित लोगों से राय मांगी, जिसमें सभी ने एक राय होकर जहीर फातिमा के पक्ष में माविया अली को पूर्ण समर्थन की घोषणा की। माविया अली ने जहीर फातिमा को समर्थन करने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। मीटिंग थी समाजवादी पार्टी की, उसमें सब लोगों को बैठ के तय करना था कि पर्चा कौन से दिन भरे और पर्चे को किस तरीके से भरा जाए, क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ज़्यादा भीड़ भीड़ इकट्ठी करके शोर शराबा करने से लोगों की दिक्कत होगी और वैसे भी आस्था का विषय है, तो इस चीज़ के लिए मीटिंग थी कि पर्चा किस दिन भरना है और कैसे तरीके से भरना है। तो रात सर्वसम्मति से बात तय हुई कि पर्चा 16 तारीख को भरा जाएगा सही फातिमा का, और शांति के साथ अमन के साथ पर्चा भर जाएगा, 5 लोग जाके पर्चा भरेंगे।